नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल रिस्क टॉक पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी टेट एग्ज़ाम को लेकर एक अपडेट कि कहाँ से होगा पाठ्यक्रम, किन किताबों को पढ़ना होगा और कोई चेंज तो नहीं है इस अपडेट में। तो दोस्तों, हम इन सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम कहाँ से आएगा यूपी टीईटी में और किन किताबों को पढ़ना आपको बिल्कुल चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं न्यूज़ में देख रहा था तो मेरे को न्यूज़ में पता चला कि जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 8 तक की परिषदीय किताबों से ही वो पाठ्यक्रम रहेगा जो कि बेसिक शिक्षा परिषद से निर्धारित होता है। यानी कि जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस वगैरह, जो भी आपके टॉपिक निर्धारित होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, जहाँ से प्रश्न आएंगे, वो आपकी कौन सी किताबों से आएंगे, परिषदीय किताबों से ही पाठ्यक्रम होगा। दोस्तों, पहली चीज़ तो एक तो यूपी टेट का जो पेपर है बहुत ही जल्दी हो रहा है। 28 अक्टूबर को आपकी एग्ज़ाम डेट आई हुई है, करीब 40 से 50 दिन आपके ऊपर रहते हैं। तो आजकल एक तो वैसे ही कोई भी विवाद में कोई भी छात्र पढ़ना नहीं चाहता है कि भाई हम मतलब सीधे पेपर हो जाए जल्दी से जल्दी, थोड़ी सी तैयारी हमारी अच्छे से हो जाए। तो इसमें ये अच्छी खबर आए, थोड़ा सा एक अपडेट आया है कि भाई जो आपकी परिषदीय किताबें हैं उन्हीं से आपके जो क्वेश्चन पेपर है वही बनेंगे। अब बात आती है भाई किन किताबों से पढ़ा जाए। तो दोस्तों, जब बेसिक शिक्षा परिषद ये किताबों का निर्धारण कर रहा है कि भाई वहीं से टॉपिक आएंगे, तो आपको सरकारी पुस्तकों से ही पढ़ना मेरे हिसाब से तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जब परिषदीय पुस्तकों से पेपर बनेगा तो आप वही किताबें पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बाकी अगर हम CDP की बात करें, यानी कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास से रिलेटेड अगर हम कोई किताब की बात करें, तो जैसे BTC वाले हैं या BED वाले हैं या DLED वाले हैं, कोई भी जो छात्र हैं तो वो उन किताबों से पढ़ सकते हैं जो उनको टीचर ट्रेनिंग एग्जाम्स में आई थी, जो टीचर ट्रेनिंग में उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था बाल मनोविज्ञान पे, उसी उससे भी वह वो टॉपिक कवर कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है कि कोई इसमें बदलाव तो नहीं है, कोई हमारे टॉपिक चेंज तो नहीं होंगे जैसा पिछले साल था, क्या वैसा ही रहेगा? फिलहाल तो देखिए सिलेबस में वैसे कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको 15 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद ये सिलेबस आउट होगा। और क्या क्या होगा, कोई चेंज तो नहीं है, ये सारी जानकारी मैं आपको अपनी वीडियो के जरिए दे दूंगा। तो बस दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी अपडेटेड के लिए और क्लासेस के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे CTET और यूपी टेट की क्लासेस डेली आती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, उन्हें चेक कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।